हेलो एवरीवन, मैं मिसेस आभा ठाकुर फ्रॉम मंथन। यदि आपके बच्चे को आपको कलर सिखाना है तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप जो कलर सिखाना चाहते हैं उसकी कुछ चीज़ें जो सेम कलर की होती हैं, जैसे लाल कलर सिखाना है तो एप्पल या उससे रिलेटेड टमाटर, ठीक है, उस कलर की बस अदर रख सकते हैं। और दूसरा, यदि येलो कलर सिखाना है तो आप बनाना रख सकते हैं, बस रख सकते हैं, या कोई शेप रख सकते हैं, कलर पेंसिल रख सकते हैं। कभी भी आप एक कलर ना सिखाएं, हमेशा दो कलर का रखें ताकि बच्चा डिफरेंस कर सके कि हाँ ये लाल कलर है और ये पीला कलर है। लाल कलर सिखाने के लिए या रेड कलर सिखाने के लिए, जो भी आप लैंग्वेज देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो रेड कलर सिखाने के लिए बच्चे को दिखाइए, ओ वाओ ये क्या है, एप्पल। पहले आप नाम बताइए, एप्पल, और कौन सा कलर है, रेड कलर। आप डायरेक्ट ये मत बोलिए कि ये लाल कलर है, ऐसे मत बोलिएगा। आप पहले जो वस्तु है, जो थिंग है, उसका नाम बोलिए कि ये एप्पल है, और एप्पल के बाद कौन से कलर का है, रेड कलर का। नहीं तो बच्चे को एप्पल नहीं बोलेगा, बच्चा रेड कलर डायरेक्ट बोलेगा। इसलिए आप पहले बोले एप्पल एंड देन फिर उसका नाम बोले। ऐसे ये वाओ क्या है, सर्कल। ये सर्कल भी कौन से कलर का है, रेड कलर का, वाओ। और ये बस, बस भी कौन से कलर की है, रेड। बीट्स, वाओ ये भी रेड कलर का, वाओ। अब हम अदर कलर, और देखो हमने सूट कौन सा पहना है, कौन से कलर की कुर्ती है, रेड कलर की, वाओ। अब हम दूसरा लेंगे, ये कौन आया, कार, येलो कलर, वाओ येलो कलर की कार। हमेशा पहले किसी चीज का नाम बताएं, उसके बाद कलर बताएं। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोले कि ये मैंने येलो कलर लिया, नो। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए कार, विच कलर, येलो कलर, वाओ। और ये बनाना, केला, केला कैसे कलर का होता है, वाओ ये भी पीला या येलो। एंड देन सर्कल, सर्कल कौन से कलर का होता है, येलो। ये कौन से कलर का सर्कल है, येलो, वाओ। अब उनको डिफरेंस करवाओ कि अच्छा बच्चों, अब मुझे या तो रेड कलर का एप्पल उठा के दे दो या फिर येलो कलर की कार उठा के दो। तो उनमें से आप देखिए कि बच्चा कलर के साथ साथ नाम और कलर भी पहचान पा रहा है, ये आप चेक करें, ठीक है। तो आपको दो फायदे होंगे उसमें, एक बच्चा नाम भी सीखेगा, साथ में कलर भी सीखेगा। थैंक यू। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।